तो ऐसे ही घर में पड़े पड़े मुझे एक आइडिया आता है कि क्यों ना यार एक बिजनेस किया जाए जिससे मैं कमा सकूं लाखों, क्योंकि आजकल गरीबी बहुत चल रही है। तो मुझे याद आता कि कुछ टाइम पहले मैंने एक पिगी बैंक रखा था अपने घर में छुपा के। पैसा ही पैसा होगा। तो जल्दी से मैं जाता हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पे मैंने अपना पिगी बैंक छुपा के रखा था। तो माइंड करने के बाद मुझे वो पिगी बैंक मिल जाता है फाइनली, और उसके बाद मैं काफी खुश होता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पिगी बैंक तोड़ता हूँ तो उसके अंदर मुझे मिलते हैं 10 रुपए। अब सिर्फ 10 रुपए का मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे लगा था इसके अंदर मैंने काफी पैसा जोड़ रखा होगा अब तक, लेकिन इसके अंदर 10 रुपए ही है सिर्फ। अब यार अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा। आइडिया लेके मैं सीधा चला जाता हूँ बैंक में, और बैंक से जाके मैं ले लेता हूँ खूब सारा लोन, ये सोचे बगैर कि इसको मैं रिटर्न कैसे करूँगा। लेकिन भाई मेरे को तो पड़ी थी बिजनेस करने की, तो इसलिए मैं बैंक से काफी सारा लोन लेके चला जाता हूँ भाई बिजनेस का आइडिया लेने के लिए अपने दोस्त के पास, जिसका नाम है गोलू। हाँ भाई गोलू, अब मुझे क्या करना चाहिए यार, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मतलब अब मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाह रहा हूँ जिससे अपन लोग ना लाखों कमाएं, तो यार मेरे को कोई बढ़िया सा आइडिया दे। हाँ तू एक काम करना, यहाँ पे मेरे एक दोस्त का अम्यूजमेंट पार्क है, तू वो बाय कर ले, वो वैसे भी उसको बेच रहा है। क्या बात कर रहे है, अम्यूजमेंट पार्क बेच रहा है अपना? हाँ वो काफी अच्छा भी चलता है, उसमें लाखों कमाएंगे हम लोग, लाखों। अब क्या बात कर रहे, लाखों, मतलब बैंक का लोन तो मैं चुटके बजाते उतार दूंगा। चल चल यार मेरी फटाफट से मीटिंग फिक्स करा। हाँ वो मेरा दोस्त ही है, जल्दी से चलते हैं उसके पास। What tomorrow? और उसके बाद हम लोग मीटिंग फिक्स कर लेते हैं गोलू के दोस्त से जिसका एक अम्यूजमेंट पार्क था, और उससे अम्यूजमेंट पार्क हम लोग भाई बगैर सोचे समझे ना बिल्कुल बाय कर लेते हैं। और अम्यूजमेंट पार्क लेने के बाद मैं बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की ही थी।